वेलकम बैक टू योर चैनल के पॉप टीवी। स्वागत है आप सबका आज की नई वीडियो में। तो अगर आप दुनिया के सबसे बड़े के पॉप आइडल्स BTS के चाहने वाले हो तो आपसे बेहतर इस बात को कौन जानता होगा कि BTS कंट्रोवर्सी, इन दोनों की जोड़ी, इन दोनों का साथ बहुत साल पुराना है। यानी कि BTS जब भी कुछ अच्छा करने जाते हैं तब कोई ना कोई कंट्रोवर्सी हो ही जाती है। BTS और कंट्रोवर्सी का साथ इतना गहरा है कि कई बार तो BTS दूर दूर तक मुद्दे में नहीं होते लेकिन फिर भी लोग उन्हें घसीट कर कंट्रोवर्सी में ले ही आते हैं। और अब भी BTS मिलिट्री में सर्व कर रहे हैं लेकिन इसके बावजूद भी जो कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पर BTS को लेकर, उनकी कंपनी हाइव को लेकर हुई है, उसने सभी को हिलाकर रख दिया है। जी हाँ, एक बार फिर से आपके फेवरेट के पॉप आइडल्स BTS और उनकी कंपनी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी में फंस चुकी है जिसकी वजह से लोगों ने उन्हें बॉयकॉट करना, बैन करने तक की डिमांड स्टार्ट कर दी है। हालांकि इसमें BTS का दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं था लेकिन हेटर्स और लोगों ने किसी भी तरह इसमें घसीट लाई और इसी के चलते आज सुबह से हाइव, बांगपीडी, BTS, बिगिट के CEO, स्कूटर सभी ट्रेंड कर रहे हैं। और मुद्दा है इसराइल और फिलिस्तीन के बीच हुआ वॉर। जी हाँ, वही इसराइल और फिलिस्तीन का वॉर जिसे अब 3-4 महीने होने वाले हैं लेकिन फिर भी हालात अभी सुधरे नहीं है। और ऐसी बहुत सारी कंपनीज जो इसराइल में अपने पैसों को इन्वेस्ट कर रही हैं, इसराइल की कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रही हैं, उन्हें भी बॉयकॉट कर रहे हैं क्योंकि लोगों का मानना है कि ये कंपनियां सीधा इसराइल के वॉर को फंड कर रही हैं। यानी कि इसराइल इन पैसों से और स्ट्रांग हो रहा है और फिलिस्तीन बुरी तरह बेबस है और इसीलिए इन लोगों ने ऐसी जितनी भी कंपनीज हैं जो इसराइल की किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रही हैं उन्हें भी बॉयकॉट कर रहे हैं, चाहे वो मैकडॉनल्ड्स हो, ह्युंडई हो या कोई भी बड़ी कंपनी। और इसी में नाम आता है बिगिट का, जिन्हें पिछले महीने भी इसी रीजन के चलते बॉयकॉट किया गया था लेकिन इसे एक महीना बीत चुका है और अब फैंस और ज्यादा नाराज हो गए हैं क्योंकि हाल ही में इसराइल के एक बड़े ऑफिसर ने बिगिट के CEO स्कूटर के साथ फोटो डालते हुए उन्हें थैंक यू बोला। साथ ही साथ इस पोस्ट को बिगिट के चेयरमैन बांगपीडी ने लाइक कर दिया जिससे ये गुस्साए फैंस और ज्यादा नाराज हो गए और अब ये कंट्रोवर्सी और बढ़ चुकी है। लोगों ने स्कूटर को बिगिट से निकालने की, उन्हें बैन करने की, बॉयकॉट करने की डिमांड स्टार्ट कर दी है। साथ ही साथ BTS को हिट मिल रही है क्योंकि BTS की वजह से ही बिगिट आज इस मुकाम पर खड़ा है। यानी कि बिगिट जितना भी रेवेन्यू जनरेट करता है उसमें BTS का एक बड़ा हाथ होता है और इसी पैसों को इसराइल में इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो फैंस BTS को भी ट्रोल कर रहे हैं, हिट दे रहे हैं और वेट कर रहे हैं कब बिगिट या फिर बिगिट के चेयरमैन बांगपीडी पूरी कंट्रोवर्सी पर अपना रिप्लाई देंगे। लेकिन तब तक एज अ फैन आप इसे लेकर क्या सोचते हो कमेंट्स में बताना।